सब सामान आ गया? मगर वो फाइलें कहाँ? अरे फैक्ट्री का मुआयना करने जा रहा हूँ बाबा, बगैर फाइलें क्या करूंगा? तुम मेज पर रखी हुई है, जाके लेके। कैसे भूतू दो? और हाँ, वो जय विजय को समझा दिया ना कि तैयार होकर अपनी नानी के पास ही रहें, कहीं बाहर न चले जाएं? हाँ दिया। दिया? हाँ। और आपको क्या हुआ? तबियत ठीक है ना? ठीक। तो मुझे तो गड़बड़ मालूम होती। कुछ तो है। मुझे तो आप खाम खा साथ ले जा रहे हैं, चार दिन के बाद। बात तो भाई दूज है और तुम यही रहना चाहती हो, ये बात मैं हफ्ते भर से सुन रहा हूँ। पर तुम इतना क्यों नहीं सोचती कि बच्चे अगर दो चार रोज के लिए बाहर जाएंगे तो कितने खुश होंगे? मेरी खातिर न सही, बच्चों की खातिर भी तुम इतना नहीं कर सकती? रसगुल्ले की मिठाई बहुत अच्छी नहीं होती। नहीं होती? ए विजय, तू बीच में क्यों बोलता है? तुझे क्या पता है? पता है, बड़ों की बातों में फिर बोलेगा तो मारूंगा मारूंगा। फिर वही विजय, उस बेचारे को क्यों डांटता है? वो तो तेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? मगर नानी माँ ये मेरी हर बात में बोलता है। अरे वो कुछ समझता थोड़ी है, गुंबद की तरह तू जो कहेगा वही वो बोलेगा। बोलेगा मगर ये मुझे पसंद नहीं। नहीं, असली बात तो रसगुल्लों की है ना, तो ये लो, दो दो अलग से ले लो। पर नानी, हमने तो रसगुल्ले नहीं मांगे। नहीं मांगे? अरे तुम लोगों ने तो नहीं मांगे बाबा, ये तो मैं ही तुम्हें जबरदस्ती खिला रही हूँ। अच्छा, तो तुम जबरदस्ती करते हो तो हम खा लेते हैं। खा लेते हैं। खाओ, मगर झगड़ा मत करो। अच्छा। भाई साहब, आपके कितने दिन का दौरा है? कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा। ये आपने बहुत अच्छा किया जो दीदी को भी साथ ले जा रहे हैं। तो ये दोनों गोबर गणेश पहले से ही अपना हिस्सा चट कर रहे हैं। ये हिस्सा नहीं है मम्मी, ये तो नानी ने हमें ऐसे ही दिया है। दिया है? इधर तुमने और उधर इनके पिताजी ने दोनों को ऐसा सर पर चढ़ा रखा है कि मेरी तो आप कुछ सुनते ही नहीं। तुम ही कब किसी का सुनते थे? लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। ठीक है ठीक है, सब गंदा कर दिया दोनों ने। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? सामान वगैरह बांधने में इतना वक्त लग गया, और कुछ झगड़े में? गोपाल आ जाओ भैया, सब तैयारियां हो गई। मगर दीदी अभी तक बादो तो आया ही नहीं, उसका थोड़ा इंतजार तो कर लें। अगर उसका इंतजार करना है तो आज हमें भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। अरे वो लाल साहब तो भी वक्त पर पहुंचा भी है। भाई साहब वो तो बहुत बड़ा जीनियस है। जीनियस तो वो जरूर है, तो तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बनाकर हजारों रुपए हजम कर रहा हो, वो जीनियस नहीं तो क्या है? आप उसके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं विनोद भाई। आप खुद इंजीनियर हैं और ये जानते हैं कि अगर उसका तजुर्बा कामयाब हो गया तो निकल के बगैर स्टेनलेस स्टील बनाया जा सकेगा और हमारे देश को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। क्यों, है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो तब हो जब वो सचमुच कोई नया मसाला बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो आप क्या समझते हैं कि वो कुछ नहीं बना रहा? नमस्ते, देरी की माफी चाहता हूँ। माधव की वजह से गोपाल में और उनमें हमेशा चकचक चलती रहती। बेचारा माधव, वो तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। गरीब, तू तो बेकार उसकी तरफदारी कर रही है माँ। ये बात नहीं है कमला, तू देखती नहीं है कि गोपाल के दिल में उसकी कितनी इज्जत है? वो तो उसको गुरु मानता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि गोपाल सब कुछ उसके ख्याली पुलाव के पीछे लुटा दे? ये किसका ख्याल है, तेरा या विनोद का? तो क्या हुआ, हम दोनों का है। चलो शुक्र, कम से कम इस बात पर तो राय एक हुई तुम दोनों की। पर बेटी, ये मर्दों की बातें हैं, वो खुद ही निपट लेंगे। तू क्या चिंता करती है? चिंता तो इसलिए करती हूँ कि बहन, पर तू तो उसे कुछ कहती नहीं, इसीलिए कहती हूँ कि आप उसकी शादी कर दे। घरवाली आएगी तो खुद ही उसे संभाल लेगी। तो उसी से कहना जिसको शादी करनी है। ठीक है, अभी कहती हूँ। तुम हमेशा ये कहते रहे गोपाल कि 24 साल का होकर शादी करूंगी, मगर अब तुम 26 के हो गए, अब क्या कहोगे? अब तो यही कहूंगा कि करूंगा। सुना माँ, मुझे जो लड़की पसंद आए उसे पक्का कर दूं? हाँ कर दो ना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना दीदी। क्या? वो हो कुछ मेरे ही जैसी।
मतलब है कि गोरी चिट्ठी हो? नहीं नहीं, गोरी काली से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके भेजे में मेरे जैसे ख्यालात हो, यानी कि वो भी नीम पागल हो। मैं तो ऐसे ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हें सबसे पहले पैसा कमाना सिखाए। ओ पिताजी, एक इतनी बड़ी कोठी बनवा गए हैं, तुम कम से कम दो चार मकान तो बना। क्यों, मैं कमाता नहीं क्या? तुम तो जानते हो मैं नौकरी करता हूँ। भाई वाह, इसे तुम नौकरी कहते हो? डबल एमए पीएचडी पास करके नौकरी भी की तो सातवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने की। तो क्या हुआ, यही बच्चे हमारे मुल्क की आने वाली नस्ल है और इसी उम्र में इन्हें बनाया या बिगाड़ा जा सकता है। मुझे इन नाजुक पौधों को अभी से सीधा करना है ताकि जब ये दरख्त बने तो ये झुके हुए, टेढ़े और सिंटे हुए ना हो, बल्कि सीधे, बुलंद और फैले हुए हो। आपका ये लंबा चौड़ा भाषण अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता। भाई साहब, हर आदमी हर बात नहीं समझ सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो भैया, चलने की तैयारी करो, बहुत दूर जाना है, 200 मील का सफर। मैं तो तैयार हूँ। पर बच्चे? ओ हाँ, जय, कुछ काम की बात नहीं है। मुझे भी कहता मामा। हाँ हाँ, देख ये राज की बात है, किसी को पता नहीं चले। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, कॉफी पियोगे ना? देख संभाल के रखना, भूलना नहीं। नहीं। छोटे भाई को आगे जाना, संभालना। अच्छा माँ, अब स्कूल का टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। अच्छा। और हम आदो, स्कूल के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा गोपाल। माँ। क्या है माधव? मुझे आशीर्वाद दो माँ। खुश रहो बेटा, बात क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं डर रहा हूँ, अगर मेरा तजुर्बा ना कामयाब हुआ तो क्या हुआ? कामयाबी नाकामयाबी तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर माँ, तुम अपने मकसद के साथ सच्चे रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जा, भगवान तुम्हें कामयाब करे बेटा। माँ जीते रहो। This scene will be repeated many times in the months and the years to come. The Pioneer rocket was exactly that, a pioneer. Others will surpass it. Others will reach the moon. But meanwhile, in October 1958, the Pioneer lifted man's hopes and gave new encouragement to science. Pioneer rocket was a contribution to the International Geophysical Year. Its triumph, its accomplishments belong to all humanity. बच्चों, इस फिल्म के दिखाने का मकसद ये है कि तुम सब जान सको कि साइंस आज कितनी तरक्की कर गया है। हर बच्चे को साइंस में खूब दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर साइंस का दौर है। मास्टर जी, कल से तो दिवाली की छुट्टी है, आपने कुछ होमवर्क नहीं दिया। मेरी तरफ से तो यही होमवर्क है कि जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा करने की इच्छा हो वही करो। हाँ, कुछ भी जी। मैं एक हफ्ते 12 फिल्में देखना चाहता हूँ। जरूर देखो, लेकिन इतनी फिल्में देखने के बाद अगर तुम हमें ये बताओ कि उनमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई, तो इससे सारी क्लास को फायदा होगा। क्यों, ठीक है ना? गोपाल, अब इसमें और रुपया नहीं लगाना चाहिए,
और ये इतना बड़ा तजुर्बा जो तुम कर रहे हो, इसे क्या अधूरा ही छोड़ दोगे? क्यों नहीं, तुम्हारे इतने रुपए पहले से लगा चुका, अब इस तजुर्बे को जारी रखने के लिए कम से कम 7,000 रुपए चाहिए। और आखिर तजुर्बा ही तो है, अगर मैं फेल हो गया तो विनोद भैया को क्या जवाब दोगे? अच्छा, तो विनोद भाई की उस दिन की बातें सुनकर तुम ये नखरा दिखा रहे हो? अरे पगले, विनोद भाई जिस दुनिया के आदमी हैं वैसे ही विश्वास देते हैं, समझे? मगर गोपाल, अब मगर वगैरह कुछ नहीं, मैं तुम्हारी असली कमजोरी समझ गया हूँ। सीधी बात यह है कि तुम्हें 7,000 रुपए और चाहिए, मिल जाएंगे। 7,000 रुपया? मैं कहता हूँ गोपाल, कहीं तुम्हारा सर तो नहीं फिर गया? नहीं काका, तुम नहीं समझते हो कि आज हमारे देश को ऐसे तजुर्बे की कितनी जरूरत है? है? अरे मैं नहीं समझता, तुम नहीं समझते। लोग तो मिट्टी को सोना करते हैं और वो सोने की मिट्टी कर रहा है। अरे इसके बाद का क्या जाता है? वो रुपया लेता है तो मेरा, तुमसे तो नहीं लेने आता। तो ठीक है भाई, रुपया तुम्हारा डूब रहा है, मुझे क्या? मैं तो इस रिश्ते से कह रहा था कि तुम्हारे बाप से दोस्ती थी, इसलिए मुझे तुम्हारा नुकसान अपना नुकसान दिखाई देता है। घबराओ नहीं काका, कोई नुकसान नहीं होने का। अब देर मत करो, जहां दस्तखत करवाने हैं करवाओ और मुझे रुपया दो। अच्छा अच्छा, ठहरो। इंजीनियर साहब, आज इंजीनियर साहब आप भी जिंदाबाद हैं। मैंने आपके स्वागत का भार बंदोबस्त किया और आप है कि फैक्ट्री में सिलाई आ गए और मुआयना शुरू कर दिया। मुझे सरकार ने इसी काम के लिए भेजा है। ये हर बार रहने दीजिए, मुझे आपके बनाए हुए माल का मुआयना करना है। जी हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुशी से जिंदाबाद कीजिए, मेरा मतलब है कि मुआयना कीजिए। हम भी चलेंगे, खेलेंगे, चल। हम खेलना चाहते हैं। चलते हैं। नहीं नहीं, ये लड़कियों का स्कूल है, तुम लोग नहीं खेल सकते। हम खेलेंगे। दीदी छोटो, चलो पूजा। दीदी ये हमें बहुत सता रहा है, तुम क्यों लड़कियों को सता रहे हो? ये हमको अपने साथ खेलने नहीं देती हैं, इन्होंने हमको बहुत मारा है। घबरा नहीं, किस लड़की ने ऐसे छोटे से प्यारे भैया को मारा? उसने। अच्छा पूजा इधर आ, अब तुम मारो उसे। अरे बस बस, बहुत हो गया, वो बेचारी मर जाएगी। अच्छा अब बताओ तुम रहते कहाँ? विजय बिल्कुल मत बताना। क्यों? तुम अगर हमारी माँ से शिकायत करोगी तो वो हमें पीटेंगी। अरे वाह, तुम जैसे बहादुर लड़कों की मैं शिकायत करूंगी? मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्यों विजय, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। और तुम? तुम अगर हमारी माँ से शिकायत नहीं करोगी तो तुमसे दोस्ती। तो मिला हाथ, खेल लो। चल चल। इंजीनियर साहब, आपको गेस्ट हाउस में कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं साथ चलो, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं अपनी आंखों से देखूंगा आके आपको कुछ तकलीफ तो नहीं ना। बहन जी भी क्या कहेंगी, मैं उनसे मिला ही नहीं, और बहन जी मेरी बेटी से भी नहीं मिली। आपकी लड़की यही है क्या? जी। ओ हीरे, ओ तू छोटी बीबी ने मिला के और क्या चाहू, ना चले इंजीनियर साहब के नाल। हेलो
कमल जी, ये है लाला दौलत राम जी, यहाँ के ठेकेदार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और बहन जी, आपने तो आते ही मेरी बेटी पर कब्जा कर लिया है। तो ये आपकी बेटी है जी? मेरी बिल्कुल असली बेटी है। मैं तो इन्हें स्कूल की मास्टरानी समझी थी जी। ये स्कूल तो नहीं, मगर यहाँ के मजदूर कारीगरों की बच्चियाँ इसके पास आ जाती हैं। इसका भी दिल लगा रहता है और उतनी देर मैं भी इसके जुल्मों से बचा रहता हूँ। कैसी बात करते हैं ठेकेदार जी। अजी सच कहता हूँ इंजीनियर साहब, ये देखने में भोली और मासूम नजर आती है, मगर आप नहीं जानते कि इतना लिखाने पढ़ाने के बाद भी ये मुझ पर क्या जुल्म करना चाहती है। क्या जी? ये बताते हुए मुझे जरा जिंदाबाद आती है, मेरा मतलब है कि शर्म आती है। इंजीनियर साहब, ये इस उम्र में मुझे भी पढ़ाना चाहती है। आप यकीन जानिए कि मास्टरों ने सारा सारा दिन मुझे बेंच पर खड़े रखा और कोई 20,000 बार मैं क्लास में मुर्गा बना, मगर क्या मजाल है कि विद्या की एक भी बात मैंने दिमाग के अंदर जाने दी हो। और तो ज्यों ही मुझे ये पता खाती है तो मैंने क्या चिंताबाजी की, मेरा मतलब है कि चालाकी की, कि बस्ती की तमाम लड़कियां लाकर इसके हवाले कर दी। आप उन लड़कियों को पढ़ाने से इसको फुर्सत मिले। हमारे मन में कई सवाल उठे हैं, इसको भी तो हमें वही सवाल लिखे हैं। हमें उनका जवाब चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, मगर वो जवाब भी कविता में होना चाहिए। भाई ये तो तुम्हारी जाती है। खैर हाँ, वो सवाल तो बताओ। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए, एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं, एक डाली पर रह कर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में, धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की, लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। और ज्ञान ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा, इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है, जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़ कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है, कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सर
नदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी। इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये मैंने कई बार खुद देखा, उनकी क्लास में पढ़ाई के बजाय गाने हो रहे हैं, बच्चों से खेल तमाशों की बातें हो रही है। तभी लड़के पढ़ाए गए हैं? आज तक नहीं पढ़ाए गए तो इसका ये मतलब थोड़े ही है कि अब उस तरह नहीं पढ़ाए जा सकते। अरे रहने दो मिस्टर कृष्ण गोपाल, ये नई नई थ्योरिया और जाकर आजमा। स्कूल का तो सिर्फ एक ही सिस्टम है, बरसों से चला आ रहा है और चलता ही रहे। बच्चा, जानवर और शैतान, ये तीनों सिर्फ छड़ी से ही काबू आ सकते हैं। मास्टर जी, आपने तो बच्चे को जानवर और शैतान से मिला दिया। अगर मिलाना ही था तो भगवान से मिलाते। मिस्टर कृष्ण गोपाल, मैं आपकी बात समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप बहुत काबिल हैं, मगर मुझे अफसोस है, अगर आपको स्कूल में रहना है तो ये पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। हम अपने सरपरस्तों को नाराज करके आपको ये नए तजुर्बे करने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन हेडमास्टर साहब, अगर मैं नया तजुर्बा नहीं कर सकता तो फिर इस स्कूल में काम करना बिल्कुल बेकार है। पेट भरने के लिए तो मैं बहुत से काम कर सकता था। मैं मजबूर हूं मिस्टर कृष्ण गोपाल। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं मास्टर साहब। मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं। मिस्टर कृष्ण गोपाल, मेहरबानी करके मंजूर कर लीजिएगा। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया था। हाँ, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी। इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। हाँ, कोई और सवाल? बस सवाल खत्म हो गए? नहीं। हाँ? क्या हुआ? आप हमें सत्संग क्यों नहीं बताते कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? समझे, हम आपको नहीं जाने देंगे मास्टर जी, हम आपके बगैर नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कहना ठीक नहीं है। मेरे जाने से तुम लोगों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाले दोस्त बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम सब मुझे बहुत याद आया करोगे। धन्यवाद। मास्टर जी, हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। इसके लिए तुम्हें स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने अपना जीवन बच्चों के लिए अर्पण कर रखा है, इसलिए जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहें वो शाम को शिवजी के मंदिर में आ सकते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, बैठ जाओ, जाओ। नाज है दीदी को अपने गोपाल भैया पे। गोपाल को भी अपनी बहन पर उतना ही नाज है। अब तो ये बड़े और जिम्मेदार हो गए हैं।
लेकिन मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ। एक दिन कमला ने अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों को खाने की दावत दी, उनके लिए अपने हाथों से मिठाई और खाना बनाया। कमला खाना परोसने लगी, परोसते परोसते कमला की थाली खाली हो गई, खाने वालों का तकाजा बढ़ने लगा। कमला घबरा गई। गोपाल इत्मीनान से उठकर खड़ा हो गया, जैसे उसका पेट भर गया। तो गोया भाई ने बहन की लाज रख ली। इसी तरह वो एक दूसरे को संभालते चले आए हैं माधव। अपना मामा तो चोरों का भी मामा निकला। तुम्हें कुछ लिखता है?
ऐसे कहाँ जा रही है? बाबा ये है तुम्हारी मिठाई, हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। मामा ने मिठाई भेजी है और वो नहीं खाओगे? मामा ने भेजी है और क्या, अभी अभी डाक वाला दे गया है, ये लो। मामा ने भेजी है तो ले ले मिठाई। हम बड़े बदमाश हैं। मैं सब तमाशा दूर से देख रही थी। जिसको इतना प्यार करने वाली बहन है वो भाई कितना नसीब वाला होगा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि राधा और गोपाल की जोड़ी कैसी रहेगी। क्यों एक पराई लड़की की जिंदगी खराब करना चाहती हो? गोपाल ठहरा एक क्रैक आदमी, उसका क्या भरोसा, पता नहीं किस वक्त कौन सा पागलपन कर बैठे। पागल हो उसके दुश्मन, अपनी शादी का वाकया मुझे अच्छी तरह याद है। आप लोगों की तरफ से बहुत दहेज मांगा जा रहा था, अगर पिताजी मान लेते तो गोपाल जायदाद से महरूम हो जाता, इसलिए वो बहुत परेशान थे। न जाने गोपाल को कैसे मालूम हुआ, वो फौरन जाकर पिताजी से बोला, बाबूजी दीदी की शादी जरूर होनी चाहिए, आप मेरी फिक्र न कीजिए। अब उसके शादी का मामला है, इसकी फिक्र मैं न करूं। अरे तुम अभी तो नहीं सुनी, अब कहते हैं हमें नहीं बुलाना। मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ। अच्छा? दो दिन बाद तो हमें वापस जाना ही है, सो ठेकेदार जी से कहकर उन दोनों को साथ शहर ले चलूं। इस बहाने माँ भी लड़की देख लेगी और लड़का लड़की भी मिल लेंगे। क्यों रे विजय, अपने मामा को इस तरह घर में बैठे रहना पसंद है? नहीं। अपने मामा को सितार बजाना पसंद है? नहीं। मामा को इस तरह मुस्कुराना पसंद है? नहीं। तुम्हारे मामा को कोई अकल की बात पसंद है? नहीं। एवलू क्या बोलता है, बोलता है? नहीं नहीं, हमारे मामा को तो अच्छी चीजें पसंद है, पसंद है। और अगर कोई उनके पसंद की बात ना करे तो क्या करते हैं तुम्हारे मामा? क्या करते हैं, वो ऐसे आदमी को अपने जहाज पे बिठा कर चंदा मामा के पास भेज देते हैं। भेज देते हैं। अच्छा, तो उनके पास चांद तक पहुँचने वाला जहाज भी है? और क्या, उन्होंने खुद अपने घर में बनाया है। बनाया है? ओहो, तो वो जहाज के अलमारी में बंद करके रखते हैं? नहीं, वो अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोते हैं। क्यों? निकू से चूहे खा जाएंगे। मगर एक बात बताओ, कल तो तुम्हारे मामा चोरों के मामा थे और आज एकाएक उनका ऐसा गुणगान होने लगा, ये अपने मामा का रोग मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हम दोनों मामा के एजेंट हैं। एजेंट है? तो मैं क्या करूँ? तुम अगर हमारे मामा से मिलो तो बड़ी इज्जत से हाथ जोड़कर मिलना, उनका मिजाज बड़ा गर्म है। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे मामा का रोग मान गई। चलो। रतन को छुट्टियों में 12 फिल्में देखने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसने सिर्फ 3 ही देखी, और ये 3 फिल्में देखने के बाद इसने ये 3 नई कहानियां लिखी हैं। मैं बहुत खुश हूं। अगर जिंदगी ने कभी कामयाबी दी तो तुम्हारे पास लौट आऊंगा, वरना आखिरी सलाम। पर हम चांद को जाएंगे,
वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे, खाए मंदिर के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे। दीदी साथ न जाएगी तो कौन तुम्हें नहलाएगा, कौन करेगा कंगी पट्टी कपड़े कौन पहनाएगा। हवा करेगी कंगी पट्टी और बादल नहलाएंगे, परियां कपड़े पहनाएंगी तारे मुंह धुलवाएंगे धुलवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। बनना क्या मुश्किल है, हम खुद ही बन जाएंगे, लोरी के रिकॉर्ड बहुत है बाजे पर बजवाएंगे बजवाएंगे। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। चलो ना दीदी को साथ। मामा जी का रॉकेट है, मामा जी घर पर आएंगे, हम तुमसे वादा करते हैं दीदी को ले जाएंगे। अच्छा अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने प्यारे मामा जी से पूछ के वापस आता हूँ। मामा जी के रॉकेट पर हम चांद के शहर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे। वाह वाह जीती रहो बेटी, बड़ी मीठी आवाज है तुम्हारी। रानी माँ मैंने तो पहले ही कहा था आवाज है। अच्छा आओ राधा तुम्हें मकान दिखाओ, जाओ बेटी जाओ। क्यों रानी माँ पसंद आ गई लड़की? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। ओके। अरे अरे तोते तू कहाँ भाग रहा है ओके करके? इतने बड़े घर में माँ का अकेले दिन नहीं लगता होगा, अब तो गोपाल की शादी हो जाए तो इस घर में फिर से चहल पहल हो जाए। जरा ये कमरा भी तो देखो गोपाल ने किस तरह सजाया है। अरे गोपाल तुम घर में हो, कब आए? अभी थोड़ी देर हुई दीदी। तब तो तुमने राधा का गाना भी सुना होगा। हाँ हाँ दीदी। तो पसंद नहीं आया क्या? क्यों नहीं, बहुत अच्छा गाना तो था, गाना बहुत अच्छा था। फिर तो तुम्हें उसकी तारीफ वही करनी चाहिए थी। आप मुझे माफ कीजिएगा, इन बातों की तमीज नहीं है मुझे। नहीं नहीं आप ये क्या करते हैं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस दोनों ही शर्मिंदा हो गए। गोपाल ये है राधा और राधा ये है गोपाल, इनके पिताजी एक बड़े ठेकेदार हैं। अच्छा तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो, मैं जरा दोनों शैतानों को देखकर आती हूँ। बैठे ना। आप भी बैठे ना। कुछ नहीं है? कुछ नहीं नहीं। तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या? हो गई है क्या? नहीं तो आप बोलती क्यों नहीं? हाँ डर गई ना हमारे मामा से। डर गई? हाँ हाँ जी हमने सुना है
कि आप लोगों को पीट पीट कर अपने जहाज में बंद करके चंदा मामा के पास भेज देते हैं। चंदा मामा के पास भेज देता हूँ, ये खबर आपको किसने दी? ये आपके एजेंटों ने। और सुना है आपने वो जहाज बिस्तर के नीचे छुपा रखा है। अच्छा ये बात है। बच्चे भी अजीब होते हैं। जी हाँ, न जाने उनका ख्याल कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अब बोलो तुम्हें राधा जैसी बहू पसंद है कि नहीं? राधा जैसी बहू? राधा जैसी बहू तो घर का श्रृंगार हो सकती है कमला। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के मौजूदा तरीकों में एक ऐसा इनकलाब पैदा किया जाए जो आजकल के बच्चों में एक नई एक आजाद रूह फूंक दे और वो अपना रास्ता खुद ढूंढे, अपना सबक खुद बनाए। खूब, बहुत खूब, भाषण तो बड़े जोर का देते हो। वो बेचारी पहली दफा आज यहाँ आई है, उसे इस तरह गौतम कर रहे हो? कोई अच्छी दिलचस्प बातें करो। दरअसल दीदी ठीक कहती हैं, मुमकिन है आप मेरी बातों से तंग आ गई हो। नहीं नहीं दीदी, शायद नहीं जानती कि मुझे खुद इस मजमून से कितनी दिलचस्पी है। दिलचस्पी है तो सुनो, मैं तो इन बातों से उकता जाती हूँ। शाम तक वापस जाना है, समझी? तो क्या आप सच में ये समझती हैं कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ? अच्छा क्या, बल्कि महान काम कर रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आप नहीं जानती कि आपकी बातों ने इस वक्त मुझे कितना सहारा दिया है। घर आने से पहले मुझे लग रहा था कि आज मैंने सब कुछ खो दिया है, आज मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। ऐसे में आपका मिलना कितनी बड़ी बात है ये आप नहीं समझ सकेंगे, इसीलिए मैंने शुक्रिया अदा किया है। अभी तो बात पक्की होगी, फिर ब्याह की तैयारियां होगी और फिर ब्याह होगा। फिर ब्याह होगा? बात पक्की होगी? मेरी तरफ से तो बिल्कुल पक्की होगी। तो फिर चल भी जाए। ठीक, जब तक मामा का ब्याह नहीं हो जाए तब तक मामा को नहीं बताना। नहीं बताना? क्या नहीं बताना रे? अभी नहीं बताना, जब तो अब ब्याह होगा तब बताना। मेरा ब्याह किसके साथ? राधा भाभी के साथ। सब बोल दिया, बोल दिया, मारो। अरे हाँ, विजय बेटा, क्या दीदी ने ब्याह की बात की थी? हाँ, माने और नानी ने। बहुत दिनों से ये घर सोना सोना है, मैं तेरा प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे अरे, ये टीका जरूर करना है बेटा। नहीं माँ, इस वक्त मैं ये टीका नहीं कर सकता। अरे तू नहीं जानता, ये खास टीका है। मैं जानता हूं मां, मैंने तुम्हारी प्रार्थना भी सुनी है, लेकिन मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अभी इस बात का ख्याल छोड़ दो। क्यों, उस लड़की में कोई दोष है? मैंने तो किसी को दोष नहीं दिया मां। तो फिर क्या बात है? कुछ बात है तभी तो कहता हूं। अच्छा, तुम मुझसे कहना नहीं चाहता? मैं मजबूर हूं मां,
लेकिन तू जाके दीदी को समझा दे, कहीं वो पक्का वादा ना कर दे, वरना उसकी बात झूठी हो जाएगी। तो ये बात है, अब मैं समझी कि तू बड़ा हो गया है, अपना फैसला खुद कर सकता है। अगर तू चाहता है कि अपनी दीदी की बात झूठी ना हो तो जाकर उसे खुद समझा दे। कुशल समाचार की चिट्ठी देना, समझी? अरे बहन जी, असली जिंदाबाद की चिट्ठी तो मैं आपको भेजूंगा, ये क्या लिखेगी है? अच्छा जी इंजीनियर साहब, जिंदाबाद। जिंदाबाद ठेकेदार जी। अब कब तक खड़ी देखती रहोगी? मैं सोच रही थी गोपाल के नसीब कितने अच्छे हैं। गोपाल के नसीब कैसे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि राधा बेचारी जरूर किसी पाप का फल भोगने वाली है। आखिर क्या देखा है आपने मेरे भाई में? अरे जो आदमी अपनी कश्ती खुद डुबोना चाहता है, उसकी कश्ती में किसी पराई लड़की को डाल देने का किसी को क्या हक है? मैं जो कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ, और मुझे उसका पूरा हक है। कुछ भी कहूं, मैं तो समझता हूं कि उसके बारे में तुम्हें अपने आप को ज्यादा नहीं उलझाना चाहिए। तुमने ठेकेदार जी को आज पक्की जबान दे दी, लेकिन गोपाल ने इनकार कर दिया तो? इनकार? वो इनकार कैसे कर सकता है? आप नहीं जानते कि मेरे घर में मेरी बात को कोई नहीं टाल सकता। यही तो तुम्हारी भूल है कमल, तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो घर तुम्हारा नहीं रहा? ये है तुम्हारा घर, यहाँ की तुम रानी हो, मगर वहाँ? वहाँ भी मेरा फैसला आखिरी फैसला है। अगर आप समझते हैं कि मेरा भाई मेरे अख्तियार में नहीं है तो ये आपकी सरासर भूल है। अरे ये क्या, अरे ये इतना सारा सामान लेकर यार लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब मामा को वापस करना है, वापस करना है। बेचारे मामा की सारी चीजें वापस हो रही थी, इतना गुस्सा क्यों? मामा से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। मगर क्यों? मामा शादी नहीं करेगा। मामा कहता हम शादी नहीं करेंगे, नानी से झगड़ता है, नानी बेचारी रोती है, अब हम उसकी कोई भी चीज नहीं रखेंगे। शादी नहीं करेगा? नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अभी जाती हूँ, गोपाल ये नहीं कर सकता। कमल, इस तरह गर्मा गर्मी में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, जरा आराम से सोच लो, मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ पुलिस के हाथों बच के नहीं जा सकता, जान भी होगा वो उसे गिरफ्तार करके ले आएंगे। तुम देर मत करो, अभी जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दो। नहीं काका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं जाकर फोन किए देता हूँ। काका मैंने कहा ना, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहता, वो मेरा दोस्त है। छी, ऐसे दलील आदमी को दोस्त कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काका अब कैसी बात मुझसे नहीं निकालना, वरना मुझसे गुस्ताखी हो जाएगी। अब गुस्ताखियां करने से काम नहीं चलेगा बेटा। तो यूं कहोगे तुम्हें रुपए की जमानत और चाहिए? इसीलिए तो कहता था बेटा, पुलिस को इत्तला दे दें, रुपया उसी के पास से निकलेगा। तुम्हें ऐसी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है काका, मैं तुम्हें जमानत अभी ला के देता हूँ। इनकी क्या जरूरत थी, ये तो तुम्हारी माताजी की जेवर है। हाँ मेरी माताजी के।
अरे बेटा देख इसको सड़क पर ही भरतनाट्यम कर रहा है, है? जवाब नहीं इसका। अरे हट जा भाई साहब, नीचे आते हैं सब बर्बाद। आओ भाई, सब बर्बाद कर दिया। आओ तैयार। मां, मां तुमने पूछा नहीं। मैं जानती हूँ माँ, माधव कर्ज छोड़ गया है उसे को चुकाने के लिए। मगर तुम्हें कैसे पता चला माँ? क्योंकि तू मेरा बेटा है और इस बात का मुझे अच्छी तरह पता है कि जुए के लिए, शराब के लिए या किसी और अय्याशी के लिए मेरा बेटा अपनी माँ के जोरों पर कभी हाथ नहीं डालेगा। माँ, तूने अपने दोस्त का मान बचाया, मैं बहुत खुश हूँ। मगर मुझे एक ही बात का गुस्सा है, इतने अच्छे अच्छे काम करते फिर माँ से उन्हें क्यों छुपाते? भूलो भी माँ, अब कभी नहीं छुपाऊंगा, कभी नहीं। क्यों भाई, आप कैसे हो? जी ठीक हूँ। थैंक गॉड। कल क्या आप ही मुझे बचाकर यहाँ लाए थे? अरे भाई, बचाना बचाना कैसा, ये तो इंसानी फर्ज होता है। मगर ये बताओ, तुम अकेले इतने घने जंगल में क्या कर रहे थे? कहाँ जाना था तुम्हें? मैं नहीं जानता। मगर ये तो जानते हो कि तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारा कोई अपना हो तो उसे इत्तला कर दे। मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ एक बोझ मुसीबत हूं। आप लोगों पर भी बोझ डाला, मुझे माफ कर दीजिए। ए मिस्टर, ये माफ माफ का मतलब मैं नहीं जानता भाई। हाँ, और ये रोड़ी सूरत बनाना भी छोड़ दो। मैं सब समझ गया हूँ। क्या पढ़ रहे हो तुम? काफी पढ़ा लिखा मालूम होता है। जान पड़ता है कि बेकारी ने तुम्हें मायूस कर दिया है। मगर फिक्र ना करो प्यारे, मेरे पास बहुत काम है। तुम ठीक होकर बाहर आओ, मैं तुम्हें जिंदाबाद कर दूंगा, बिल्कुल जिंदाबाद कर दूंगा। सॉरी न, सॉरी सॉरी। अच्छा है, हम जाते हैं जिंदाबाद। हाँ बेटा। बच्चों, संसार में बहुत सी खूबसूरतियां हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। इसलिए कल जब हम घूमने जाएं तो हवा में तैरती हुई उन नई नई आवाजों को, कुदरत के उस संगीत को सुनने की कोशिश भी करें। लेकिन ये तो बताइए कि हम कौन से किताबें लाएं? यहाँ कोई किताब नहीं पढ़ना,
किताबों में जो लिखा है वो तो किसी दूसरे का अनुभव है भाई, तुम्हें खुद अपने आप को पढ़ाना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम हर चीज को खुद महसूस करके उसे जानने की कोशिश करो। अच्छा चलो अब चलें। नमस्ते। अब गोपाल के बाद छोड़ दे कमला, कब तक गुस्सा रखेगी? बस इसी तरह तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है। आज मुझे उससे खुलकर दो बातें कर लेनी थी, मगर इसका फायदा क्या, वो पहले ही काफी परेशान है। तो हुआ करे, हमने तो उसे परेशान नहीं किया, बल्कि हमें उसकी वजह से कई बार शर्मिंदा होना पड़ा है। ये सच नहीं है, मैं उसकी वजह से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। तुझे लोगों की बातें थोड़ी ही सुननी पड़ती है, वो तो दीदी को सुननी पड़ती है। दीदी, मैं तुम्हें शर्मिंदा ना होने का एक तरीका बता सकता हूँ। बताऊं? बोल। अगर फिर कभी ऐसा मौका आए तो कह देना कि मेरा कोई भाई नहीं। गोपाल, तुम भाई जो ठहरे इसलिए ये बात कह सकते हो, और शायद आसानी से भुला भी सकते हो कि तुम्हारी कोई बहन है। हाँ हाँ, भुला तो देता, लेकिन बहन इतनी अच्छी मिली है कि उसे भुलाया ही नहीं जा सकता। अगर बहन समझती तो लोगों के सामने मुझे क्यों झूठा करती? मैं जबान दे चुकी हूँ, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं? मुझे तुम्हारी जबान का बहुत ख्याल है दीदी, लेकिन मेरी भी तो कोई मजबूरी हो सकती है। क्या मजबूरी हो सकती है, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या करोगी सुनकर दीदी, ये कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं तुम्हारी जबान रखने के काबिल हो जाऊंगा खुद भागा आऊंगा कि दीदी करो मेरा ब्याह। तो बस उसी दिन मुझे दीदी कह के बुलाना, जाती हूँ मां। कमला कमला, इस घर से नहीं जाती बेटी, अब मुंह तो मीठा कर दे। जा मुझे दे। दीदी 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 दीदी, गोपाल से रसगुल्ला खाएगी, भैया दीदी का मुंह मीठा करेगा। मैं सचमुच इतना बुरा हूं? नहीं बेटे, हरगिज नहीं। तो दीदी ऐसा क्यों कर गई? जो प्यार करता है उसे गुस्सा करने का भी तो हक है। तू गुस्सा क्यों नहीं करती? गुस्से के भी अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। तो क्या तू भी गुस्से है मां? हाँ, लेकिन कमला ने जिस कारण से गुस्सा किया वो कारण नहीं। और क्या कारण है? अपने आदर्श के लिए जो तूने कुर्बानी की है वो काफी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए माँ? लाला को जेवर देने के बाद भी कर्जा पूरा नहीं होता, अब भी कुछ बाकी है ना? है, मगर उसके लिए मकान जो गिरवी रखा है। तो फिर हमको इस मकान में रहने का हक क्या है? ये मकान लाला के हवाले कर दो, हम किसी छोटे मकान में जाके रहेंगे। जितनी चादर हो बेटा उतना ही पांव फैला। नहीं मां, ये मुझसे नहीं होगा, ये मकान पिताजी ने बनवाया है, तो क्या ये भी मैं तुमसे छीन लूं? मुझसे नहीं होगा मां, मुझसे ये नहीं होगा। मुझ में रुपया कमाने की हिम्मत है, मैं दो तीन बरस में सब कर्जा चुका दूंगा, फिर दीदी और विनोद भैया भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। काश वो खुश हो जाए, लेकिन जो जिम्मेदारी तुमने संभाली थी, जिस आदर्श का झंडा उठाकर तुम आगे बढ़े थे, उसका क्या होगा? बस करो माँ, बस करो। अगर बेटा मैदान जंग से मुंह मोड़कर भाग आए तो उससे बढ़कर माँ के लिए और शर्म की बात क्या हो सकती? मैं और नहीं सुन सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता। झंडा हो गया था और उसका साचा नहीं बन सकता था। तुम लोहे का काम भी जानते हो? जी,
थोड़ा जानता हूं। जब लोहे का काम जानते हो तो मुंशी का काम क्या खाक करोगे? सच सच बताओ, तुम एक पढ़े लिखे बेकार नहीं हो, वो तुम्हारा असली पेशा क्या है? लोहे के बारे में तुम क्या जानते हो और क्यों जानते हो? असल में बाबूजी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ और कुछ दिनों तक के बगैर स्टेनलेस स्टील बनाने की कोशिश करता रहा। तो कामयाब हुए? नहीं। क्यों? हमारे पैसे बर्बाद हो गए और मैं शिकस्त और शर्म के मारे चला आया। तो इसीलिए उस दिन रास्ते में जिंदाबाद हो गए थे? जी। तुम्हें आशा है कि तुम अपने तजुर्बे में कामयाब हो गए? जरूर होगा, लेकिन लेकिन क्या? उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए बाबूजी। तुम आज से नौकरी से निकाले जाते हो? जी। मैं ऐसे आदमी को यहां जिंदाबाद नहीं कर सकता जो लोहे के बारे में इतना कुछ जानता हो। कल से तुम अपना तजुर्बा शुरू कर दो। मगर बाबूजी, उस तजुर्बे के लिए तो देखो मारो, लाला दौलत राम ठेकेदार 8वीं जमात में 5 दफा फेल हो चुके हैं, इसलिए मुझसे टेक्निकल तफसील की कोई बात मत करो। जितना रुपया तुम्हें चाहिए मैं इसे कह देता हूँ, ले लो और आज इसे तुम अपने काम का जिंदाबाद कर दो, ठीक है? है? विनोद कुमार, ये तो विनोद बाबू की चिट्ठी है। तो गोया तुम्हारे साथ तुम्हारे चूहे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखा मैं कितना इम्पोर्टेंट आदमी हो गया हूँ कि चूहे भी मेरा इंतजार करते हैं। अब बस भी कीजिए चूहों का मजा। ये रही आज की डाक। हाँ नहीं नहीं, आज मैं डाक नहीं पढ़ूंगा, आज मैं बहुत जिंदाबाद हूँ, यानी मेरा मतलब है कि मैं बहुत खुश हूँ राधा, बहुत खुश हूँ। एक बार पढ़ तो लीजिए, कोई जरूरी खत हो सकता है? अरे मैं तो तुम्हें बताने वाला हूँ, उससे जरूरी बात और कोई नहीं हो सकती। जानती हो कि मारो क्या है? एक इंसान है। छे 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 छे, इंसान नहीं है वो, साइंटिस्ट है साइंटिस्ट। राधा, वो एक ऐसी चीज ईजाद करने वाला है जिससे कि सारे देश का जिंदाबाद हो जाएगा, और फिर देखना हमारे साथ जिधर भी हम जाएंगे लोग कहेंगे ठेकेदार जिंदाबाद। पहले खाने का तो जिंदाबाद कीजिए। खाना खाऊं कि खुशी खाऊं, दोनों चीजें इकट्ठी मैं नहीं खा सकता। खाना तुम खाओ, मैं जरा डाक का जिंदाबाद कर दूं। लाला दौलत राम कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम विनोद। मगर हम विनोद की चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये दूसरी काम की चिट्ठियां पढ़ेंगे, हैं? तो मालूम होता है प्रजा को विनोद की चिट्ठी सुनने का बहुत इंतजार है। चलो पहले वही पढ़ लेते। मैं आपके लिए फल काट के ला दूँ। हाँ लाओ, देख मगर जरा उंगली नहीं काट लेना अपनी। इतनी बेइज्जती, हम कब रिश्ते की भीख मांगने गए थे उनसे? क्या हुआ बाबूजी? होना क्या है, अगर उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो हमारा क्या बिगड़ता है? जहाँ मुर्गा नहीं बोलेगा वहाँ सूरज नहीं निकलेगा क्या? और भला भी क्या किया है कि गोपाल का कोई दोस्त उसे धोखा देकर एकदम कंगाल कर गया है, इसलिए वो अपनी हैसियत अब शादी के काबिल नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो कंगाल नहीं हुआ तो अब जरूर हो जाएगा। गाली देने से क्या फायदा बाबूजी, ये सच भी हो सकता है? अरे बेटा, सच ही तो है, जो तुम्हें ना पा सका उससे बड़ा कंगाल और कौन होगा। मगर मैं भी इस हद तक का जवाब ऐसा दूंगा कि वो हाथ मलते रह जाएंगे, याद करेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से करूंगा कि कमला दीदी को होश आ जाएगी। राय से बड़े रिश्ता तोड़ने वाले। अरे अभी हमने रिश्ता किया ही कहा था कि वो तोड़ देंगे। गोपाल तो एक नीम पागल लड़का है, दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानता। दरअसल जिस दिन राधा उनके घर गई थी, गोपाल तो उसी दिन तबाह हो चुका था। उसका दोस्त धोखा देकर उसके हजारों रुपए लेकर चंपत हो गया था, और उसी दिन स्कूल में नए तजुर्बे करने पर उसे नौकरी से अलग किया जा चुका था। नौकरी से अलग किया जा चुका था।
बिल्कुल अकेला रह गया था। ऐसे में आपका मिलना कितनी बड़ी बात है ये आप नहीं समझ सकेंगे। प्यार ही मुझे दरकार है, प्यार ही मुझे दरकार है, कर उनका प्यार हो बाहों का हार हो, सोने चांदी के हार क्या करूंगी, प्यार ही मुझे दरकार है। प्यार ही मुझे दरकार है, प्यार ही मुझे दरकार है। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? मैंने जो कुछ लिखा वो तो राजा की चिट्ठी से पता चल गया होगा। मगर आपने ऐसा खत क्यों लिखा? मेरा सब किया कराया आपने मिट्टी में मिला दिया। पहली बात तो ये कि मैंने उस खत में एक बात भी झूठ नहीं लिखी थी, और दूसरी तुम्हें बचाने के लिए वो खत बहुत जरूरी था। मुझे बचाने के लिए? क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा वचन दे दिया था जिसे तुम पूरा नहीं कर सकती थी। ये आपने कैसे सोचा कि मैं उसे पूरा नहीं कर सकूंगी? आपने ये खत लिखकर अच्छा नहीं किया। मैं आज ही ठेकेदार जी को खत लिखती हूँ। अच्छा लिख देना, मगर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तैयार हो जाना, एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। मेरा इस वक्त कहीं जाने को मन नहीं होता। मैंने उनसे वादा किया तुम्हारा चलना जरूरी है। चलो एक मिनट में तैयार हो जा। यहीं पे जाना है? यहाँ जाना है? हाँ हाँ आओ। आप तो कहते थे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है। हाँ तो आपके रिश्तेदार और इस गली में? क्यों, जो इस गली में रहते हैं वो मेरे रिश्तेदार नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? ऐसे रिश्तेदारी निभानी काफी मुश्किल है।
जाओ। लक्ष्मी जरा नींबू का शरबत तो बना करना। जी। क्या बात है बेटी, तेरा जी अच्छा नहीं है क्या? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। जय विजय को नहीं लाए? इतने दिनों से देखा नहीं उनको। दरअसल हम आपको ले जाने के लिए आए हैं माताजी। मुझे कहाँ? अपने घर। हमारे होते हुए आप इस घर में रहें। हाँ, गोपाल को क्या फिक्र है, उठा और यहाँ आके बैठ जा। तो इस घर में खराबी क्या है? ये खराबी की बात नहीं है, मेरा इतना बड़ा घर पड़ा है। मैं तो कहता था माताजी, गोपाल भी हमारे पास ही रहेगा। बेटा भगवान करे तुम्हारी दौलत जुग जुग ऐसी ही बड़ी रहे, और भगवान ये भी करे कि गोपाल अपने हाथ पांव से जो कुछ थोड़ा बहुत कमाए उसे में उसकी माँ और वो खुश रहे। तो गोपाल तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारी कोई नहीं? तो मेरी बेटी, लेकिन बेटा ही माँ बाप को पानी देने वाला होता है, उसे नाराज करने का मुझे कोई हक नहीं। बच्चों ये क्या है? एक सूखा हुआ पत्ता। अब जरा ध्यान से देखो, अगर उस पत्ते को हम कैंची से थोड़ा सा काट दें तो क्या बन गया? एक उड़ती हुई चिड़िया। शाबाश। अब ये देखो, ये है ये दो पत्ते और ये एक पत्थर। अब जरा ध्यान से देखो, इस लकड़ी को ऐसे रख दिया तो क्या बन गया? बछड़े का सर। और ये क्या बन गया? ये पत्ते तो कान बन गए। ठीक। और ये? अरे ये तो आंख बन गई। बन गई ना। इस तरह बच्चों तुम लोग कुदरत को जरा गौर से देखो तो तुम्हें बहुत सी खूबसूरत शक्लें नजर आएंगी। तुम लोग अगर चाहो तो तुम में से हर एक बच्चा एक नन्ना सा कलाकार बन सकता है। न कागज की जरूरत है, न ब्रश की और न रंगों की। जरूरत है तो एक देखने और जांचने वाली आंख की। अच्छा अब आज्ञा दीजिए। थोड़ी देर ठहर जाते तो गोपाल भी आ जाता। अभी जरा जल्दी है माता जी, फिर आएंगे। नमस्ते। जी तेरा। नमस्ते विनोद भाई। नमस्ते। अभी हम माता जी से मिलकर आ रहे हैं। माता जी से मिलकर आए हैं ना, मुझे तो नहीं। चलिए वापस। नहीं नहीं, हमें कहीं और जाना है, एक दोस्त को टाइम देके आए। ये ठीक नहीं है भाई साहब, आइए। और दीदी से कहिए कि वो भी चले। क्यों, मुझे क्यों वकील बना रहे हो? तुम अपनी दीदी से बोलते नहीं क्या? मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, दीदी मुझसे नहीं बोलती। खैर ठीक है, कुछ दिन के बाद भाई दूज आने वाली है, उस दिन देख लेंगे। क्यों दीदी? अच्छा चले। अच्छा भाई।
अगर आपको ये विश्वास नहीं था कि आपका भाई आपकी बात मानेगा भी या नहीं, तो फिर आपने मुझे किस मुंह से कह दिया कि ठेकेदार जी हमारी तरफ से ये बात पक्की है? आखिर जबान देने का कोई मोल होता है या नहीं? मैं जबान का मोल समझती हूँ, मगर ठेकेदार जी आप तो जानते ही हैं आज लड़के। अजी आजकल के लड़के से तो मेरी बात नहीं हुई थी, जबान आपने दी थी और मैंने आपकी बात पर विश्वास किया था। लाला दौलत राम, आपको मेरा खत मिला था? जी हाँ मिला था। उस खत के बाद तो कमला की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती, मैंने आपको साफ साफ लिख दिया था। उसके बाद तो एक बेवकूफ ही इस रिश्ते का इंतजार कर सकता है। इंजीनियर साहब, बेवकूफ तो मैं हूं ही, लड़की का बाप जो हूं वो मेरी एक ही लड़की, मगर वो पढ़ी लिखी है। अगर आप वो खत उसे पढ़ा देते तो वो भी कुछ नहीं कहती। वो पगली मुंह से तो कुछ कहते ही नहीं, मगर मैं बगैर कहे उसके दिल की बात को समझता हूं। मैं उसकी मां भी हूं और बाप भी, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। इंजीनियर साहब, मैं यहां इसलिए आया हूं कि आप मुझे गोपाल के पास ले चलिए, ताकि मैं उसी से पूछूं कि आखिर वो क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रहा है। उसकी वजह तो मैंने आपको बता दी थी। सिर्फ एक बार आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूं। अच्छी बात, चलिए। ये ले लो। ओ विनोद भाई, आप आज इधर कहाँ? भाई अब तुम हमें ना जाने कहाँ कहाँ घसीट हो, इनसे मिलो। ये हैं लाला दौलत राम जी, ठेकेदार। ओ नमस्ते। नमस्ते। आप लोग चाय पियेंगे या ठंडा? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आदमी चाय भिजवा देता हूँ। गोपाल, ये तुमसे कुछ कहने आए। जी आइए। हाँ फरमाइए। देखो गोपाल बेटा, मुझे इंजीनियर साहब ने सब कुछ बता दिया है, चुनाचे शादी से तुम्हारे इनकार की वजह मेरी समझ में पूरी तरह आ गई है। मगर इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए बेटा कि अगर किसी आदमी का नुकसान हो गया है तो वो हमेशा के लिए ब्रह्मचारी बना रहे, बल्कि इसका कोई इलाज सोचना चाहिए। ठेकेदार साहब, अभी तक तो इसका कोई इलाज मेरी समझ में नहीं आया। मगर मेरी समझ में आ गया है बेटा, सीधा सा इलाज है। तुम्हारा मकान गया है ना, मैं तुम्हें वैसे चार मकान बनवा कर दे सकता हूँ। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा है मेरे पास, और वो सब कुछ राधा का है। तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ कहो, वो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। माफ कीजिएगा ठेकेदार साहब, मालूम होता है कि आप अपने पैसे से एक दामाद खरीदने आए, मगर मुझे अफसोस है कि आपको किसी दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा, मैं बिकाऊ नहीं। नमस्ते। इंजीनियर साहब उठिए, चलेंगे। देखिए है बाबूजी, जब तक मैं अपने तजुर्बे में कामयाब ना हो जाऊं तब तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोच सकता। शायद आप नहीं जानते होंगे, ये कामयाबी मुझ पर एक दोस्त का कर्ज है। अरे भाई, जब कामयाब हो जाओगे, दोस्त का कर्ज अदा कर दोगे, तब तो शादी करोगे। तब मैं आपके हुक्म से कैसे इनकार कर सकता हूँ? तो बस फिर हो गया जिंदाबाद। तो हाँ या ना कुछ भी तो नहीं बोलते, कुछ तो कह बेटा। मुझे कुछ नहीं कहना बाबूजी। मैं जानता हूं राधा कि गोपाल को भूलने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जिसको तुम्हारी बिल्कुल फिक्र ना हो, जिसने एक बार भूलकर भी तुम्हें याद ना किया हो, ऐसे बेदर्द इंसान की खातिर तो जिंदगी भर बैठी रहेगी क्या? जवानी में इंसान चोट खाकर कभी ऐसा भी सोचता है बेटी, अब वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। लेकिन बेटी, बुढ़ापे का तजुर्बा ये कहता है
कि अकेली जिंदगी बहुत लंबी होती है, साथी के बगैर नहीं काटी जा सकती, नहीं काटी जा सकती। माधव बहुत अच्छा लड़का है, अब वो शायद एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। ऐसी जल्दी क्या है बाबूजी? थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। इंतजार? इंतजार उसका करते हैं पगले, जिसके आने की उम्मीद हो, जिसने खुले लफ्जों में कह दिया हो कि मेरा इंतजार मत कीजिए। लेकिन वो तो विनोद बाबू ने लिखा था। नहीं बेटी, सिर्फ विनोद बाबू ही नहीं, खुद गोपाल से मेरी बात हुई है। मैंने अब तक तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुझे सुनकर दुख होगा, तुम्हारी खातिर मैं खुद गोपाल के पास भीख मांगने के लिए गया, और मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी जितनी जायदाद का नुकसान हुआ है उससे कई गुना बड़ी जायदाद बनवा कर देने को तैयार हूँ, जितना रुपया तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो। लेकिन उसने मेरी हत्या करके मुझे बाहर निकाल दिया। तो आप उन्हें खरीदने गए थे? क्या मतलब बाबूजी? आप एक शरीफ आदमी के घर जाकर उसकी हत्या करेंगे तो वो क्या करेगा? मॉर्निंग माधव। क्या बात है बेटा, आज नाश्ते के लिए इतनी देर से पहुंचे? जी, रात को काम करता रहा, सुबह नींद नहीं खुली। वो कोई बात नहीं दादा, तुम माधव को नाश्ता कराओ और मैं इतने में हिसाब की किताबें देखता हूँ। जी हाँ। आपसे कुछ कहना है। कहिए। मुझे पिताजी ने आपसे शादी के बारे में कहा है। जी, मुझसे भी बात की थी। बात यह है कि आप बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, शरीफ हैं। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। मगर मुझे अफसोस है कि मैं किसी और के हक में पहले से फैसला कर चुकी हूं। क्या आपके पिताजी को यह मालूम नहीं? मालूम है। तो फिर आपके पिताजी को शादी करने से क्यों इनकार है? पिताजी को नहीं, उन्हें है। उन्हें है? क्यों? उनका एक दोस्त उनकी सारी जायदाद धोखे से हजम करके उन्हें गरीब कर गया है, और इस गरीबी में एक अमीर की बेटी के साथ शादी करने में उनकी खुददारी को ठेस पहुंचती। ऐसे दोस्त को तो गोली मार देनी चाहिए। वो अपने मुंह से ये भी नहीं मानते कि वो उन्हें धोखा दे गया है। ये तो हमें उनकी दीदी और विनोद भैया से सब पता चला। तो वो करते क्या हैं? उन्होंने तो अपना जीवन बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्पण कर रखा है, मगर सितम तो ये है कि स्कूल वालों ने भी उन्हें निकाल दिया। स्कूल वालों ने भी निकाल दिया? मगर क्यों? ये तो संसार की पुरानी रीत है, महापुरुषों को अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। आपकी भक्ति को देखकर मालूम होता है
कि वो सचमुच ही कोई महापुरुष होंगे। होंगे नहीं, है, मगर बहुत परेशान है, अकेले हैं। इस वक्त उन्हें ऐसे साथी की जरूरत है जो उनके दुख को बिन कहे समझ सके। और वो साथी उन्हें जरूर मिलेगा। आज भाई दूज है और मेरी दीदी बहुत दूर है, आज से तुम भी मुझे टीका लगाया करो। टीके पर कुछ देने की रस्म होती है, सो आज मैं अपनी बहन को एक वादा देता हूं कि मैं उस वक्त तक आराम की नींद नहीं लूंगा जब तक कि तुम्हारी शादी उस महापुरुष के साथ न करा दूं। गोपाल, गोपाल। हाँ मां। ये ले, कमला अभी आने वाली होगी। लेकिन तुम्हारी अंगूठी को क्या करूंगा मां? भाई दूज के मौके पर हर साल दीदी को तो कोई सोने की चीज नहीं देता, बस इसीलिए दी है। नहीं मां, ये अंगूठी मैं नहीं दूंगा। क्या सोने की जंजीर ही भाई बहन के रिश्ते को मजबूत कर सकती है? अरे तुम अभी तक यहीं हो? गोपाल के यहां कैसे उठ जाओगी? वहीं जा रही हूँ। सुनो, क्या तुम जा रही हो और कपड़े नहीं बदले? ठीक तो है कपड़े। कपड़े ठीक है तो क्या त्योहार के मौके पर तुम अपने भाई के घर हमेशा इसी तरह जाया करती हो? तो क्या करूं, कपड़े बदलो और जेवर पहन कर जाओ। मगर उनकी इस हालत में अगर मैं बन संवर कर जाऊंगी तो उनको बुरा ना लगेगा? नहीं, बल्कि तुम्हें इस तरह देखकर उन्हें रंज होगा। क्या तुम अपनी इस हरकत से उन्हें अपनी गरीबी का एहसास दिलाना चाहती हो? तो जाओ। झूठी शिकायत करते आए हैं। अरे पगली, वो तो घर में बैठे तेरा ही इंतजार कर रहा है। जा। लक्ष्मी, इधर आ। लक्ष्मी, ये मजाक, मुझे टीका लगाना है। जिसे टीका लगाना है उसका नाम लेकर बुलाया जाए। गोपाल। ऐसे नहीं, जरा प्यार से। गोपाल जी। दीदी, मुझे बुलाया? चलो उठो। चलिए बैठ जा। मगर दीदी चुप। राजा होता तो आज तुम्हें अपना सारा राज दे देता। मगर मेरे पास प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे स्वीकार करो दीदी। Thank you.
ऐसी छुप चलती है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत मात है। जय को नहीं मुझको मारा, लेकिन उसने सुपारी को पैर से ठुकरा जो दिया था। यह तुम्हारे भाई दूज की सुपारी है ना, इसके लिए तुम्हारे दिल में जो जज्बात है उन्हें मैं समझ सकता हूं कमल, ये बच्चे नहीं समझ सकते। ये तुम्हारे लिए दुनिया भर की दौलत हो सकती है मगर उन बच्चों की निगाहों में एक मामूली सुपारी और कुछ नहीं। मैं क्षमा चाहती हूं, दरअसल मैं जज्बात पर काबू नहीं पा सकी और बच्चे पर हाथ उठा दिया। मैं इसी बात से डर रहा था कमल कि उस घर की तबाही ने इस घर की खुशी को भी ग्रहण लगा दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा शरीर यहां है मगर मन अपने भाई के घर में, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जहां तुम्हारा मन है तुम वहीं जाकर रहो। आज आप इतने पत्ते पर क्यों उतर आए हैं? वो सुपारी मुझे दे दीजिए, आज से मैं फिर कभी अपने मायके का नाम न लूंगी। अब ये सुपारी ही मेरी मां, मेरा गोपाल, सब कुछ है। आ गई ना अपनी असलियत पर, पगली कहेंगे। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम उनको भूल जाओ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कमल कि अपने इस छोटे से घर में खुशी रहे, बच्चे खुश हों, मैं खुश रहूं, और ये तभी मुमकिन है जब तुम खुश रहो, समझे? जी आप ठीक कहते, मैं जज्बात में आकर सब भूल जाती हूँ। अपने सुहा की कसम खाती हूँ कि जब तक आप मुझे खुद न कहेंगे मैं अपने भाई का नाम न लूंगी। नहीं कमल नहीं, ये बात नहीं है। मुंह भी न देखूंगी, उसके घर भी न जाऊंगी। फिर वही बात। मिस्टर कृष्ण गोपाल, आपको हमारे स्कूल में वापस आना ही होगा। अगर आप कहें तो मैं हेडमास्टर की कुर्सी आपके लिए खाली कर देने को तैयार हूँ। ऐसा मत कहिए, मेरा तो सिर्फ यही मतलब था कि मेरा पढ़ाई का तरीका अलग है और उसका फल भी हमने देख लिया है, इसलिए हम सब आपके सेवा में हाजिर हुए हैं और अपनी पहली गलती की माफी चाहते हैं। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? तो कहिए आप हमारे स्कूल में वापस आएंगे, हाँ कहिए ना। जैसी आपकी आज्ञा। मां देखो तो कितना खूबसूरत गुलदस्ता है। हाँ है तो सही, चल मुंह हाथ धोकर आ जा, खाना तैयार है। लेकिन मां तुमने पूछा नहीं। मैं जानती हूं तुमको स्कूल वालों ने फिर से वापस बुला लिया है, इसलिए। तुम तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। तो कहो, कहने की तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। ओ हां मां, वो अच्छा तो इरादा बदल दिया, ठीक है। नहीं नहीं माँ, मैं कहना चाहता था कि वो हाँ हाँ कहो, सुन रही हूँ मैं। वो लड़की। कौन लड़की? जो तुम दीदी के साथ आई थी। किस दिन? अब तो तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो माँ, उसकी तो बहुत तारीफ की थी तुमने। अच्छा अच्छा वो राधा, एकाएक उसकी याद कैसे आ गई तुझे? पता नहीं, उस दिन मैं बहुत परेशान था माँ, हम दोनों में कोई ज्यादा बातें भी नहीं हुई थी।
मगर उसकी बातों में जो हमदर्दी थी। ये बात है? नहीं नहीं माँ, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि तुझे कैसे समझाऊं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जिसे समझाना है उसे समझा दे। जा मुंह हाथ धोकर जल्दी आ, खाना तैयार है। किसने फेंका ये बॉल? अच्छा ये तुम लोगों की शरारत है। ऊपर से हंसते हो, शर्म नहीं आती? हमारा सारा आटा बर्बाद कर दिया। मगर हमने जान पर तुड़ाई गिराया है। हमारे संजय ने किक मारी और बॉल इधर आ गया। हाँ तो अपने संजय को भेजो, उसको ठीक करेंगे। पहले हमारा बॉल तो दे दो, गेम के बाद उसे बेच देंगे। तो बॉल चाहिए तो? नो। उठा लो। अच्छा समझ लेंगे तुमसे भी। दीदी ये लोग हमसे शरारत करने आए हैं, बाल मार के हमारा आटा गिरा दिया, इसलिए तुम उनको पानी में फेंक दोगे? आखिर बात क्या हुई? हमने जानबूझकर आटा नहीं गिराया था, मगर इन लोगों ने हमको उठाकर पानी में फेंक दिया। अरे अरे आप यहाँ? मेरा मतलब है ये सब आपके स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ, हम लोग यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं और शायद आप लोग भी। जी हाँ हम भी। ओहो यहाँ तो कैंप फायर का इंतजाम कर रखा है। हाँ सोचते रहे कि शाम को जरा कुछ हंगामा करें। अच्छा अगर इजाजत हो तो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएं? नहीं दीदी नहीं, ये लोग फिर शरारत करेंगे। हाँ शरारत हम करते हैं कि तुम करती हो? तुम करते हो, तुम करती हो, 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 तुम करते हो। खामोश। हाँ तो आप लोगों की ये शिकायत है कि इन्होंने आपका नुकसान किया। हाँ और तुम्हारी ये शिकायत है कि इन्होंने मिलकर तुम्हें पानी में फेंका। तो इस बात का फैसला मैं करता हूं। फैसला ये कि तुम दोनों शरारती हो, इसलिए तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लड़कों को यह सजा दी जाती है कि आज रात के लिए लड़कियों का खाना वो पकाएं, और लड़कियों को यह सजा दी जाती है कि दोपहर के 12 बजे कड़कती धूप में 2 घंटे तक फुटबॉल खेलें। अच्छा आप दोनों फौजें अपनी अपनी छावनी में जाकर आराम करें। चलो आपको तो बच्चों को खुश करने का जैसे जादू आता है। जी हाँ बच्चों को खुश करने का ही, बड़े लोग से नाराज ही रहते हैं। अच्छा कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपसे नाराज हो? मैं पूछता हूँ कोई ऐसा भी है जो मुझसे खुश हो? सभी मुझसे नाराज हैं। सभी कौन? दीदी माँ और मेरा ख्याल है कि आप भी मुझसे नाराज ही होंगी। मैं भी नाराज होंगी, ये अंदाजा आपने कैसे कर लिया? जी मैंने ऐसा सोचा था। सोचा था तो गोया आपने मेरे बारे में कभी सोचा भी था? हाँ कई बार। सच? हाँ राधा सच। क्या बात है राधा, चुप क्यों हो गई? खुशी के मारे
खुशी का संभालना भी इतना दुश्वार हो जाता है, इसका मुझे आज ही पता चला। ये अचानक कैसी पागलपन की बातें करने लगी हो? पागलपन की नहीं, डर की। डर? डर किस बात का? डर इस बात का कि तुम्हें फिर एक बार देखने के लिए मुझे न जाने कितना इंतजार करना पड़े। राधा, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। आज के टूटे खंडरों पर तुम कल का देश बसाओगे, जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्नी बुनियादें हो, तुम नन्नी बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की। बच्चों तुम तकदीर हो। तुम तकदीर हो। फिर कोई जयचंद न उभरे, फिर कोई जाफर न उठे, वैरों का दिल खुश करने को अपनों पर खंजर न उठे। धन दौलत के लालच में, धन दौलत के लालच में तौहीन न हो ईमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। तुम तकदीर हो। रह न सके अब इस दुनिया में युग सरमायादारी का, तुमको झंडा लहराना है मेहनत की सरदारी का। तुम चाहो तो बदल के रख दो, तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के गोपाल अस्पताल में है? हाँ दीदी, मैंने
माँ को बुलाने के लिए लड़के भेजे। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तुम जल्दी अस्पताल में आ जाओ। गोपाल अस्पताल में क्यों? उनको उनका एक्सीडेंट हो गया दीदी। गोपाल का एक्सीडेंट? दीदी हेलो दीदी, नहीं कमल नहीं, ये बात नहीं। उसका मुंह भी ना देखूंगी, उसके घर में ले जाऊं। बयान दिया कि ये सब गोपाल की वजह से हुआ है। गोपाल जिंदाबाद। कमला क्या बात है? कमला क्या बात है जी, तुम लोग इस तरह खामोश क्यों? बाबा मरने वाला है। जय माँ उधर नहीं जाती है। क्या हुआ गोपाल को? कहाँ है? अस्पताल में। अस्पताल में क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और तुम यही हो? तुम वहां क्यों नहीं गई? मैं कैसे जाती? आपकी सौगंध ले चुकी हूँ। पागल लगा लो कमला, ये वक्त है फजूल की बातें सोचने का। चलो उठो, उठो, चलो उठो। दीदी तुम आ गए? हाँ गोपाल। डोंट वरी, ही इज ऑल राइट नाउ। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। ओ, तो तुम यहां हो। मैं अच्छी तरह जानता था कि तू इसी बेदर्द के चक्कर में होगी। कहां से तुम्हारा पीछा करता करता यहां पहुंचा? भगत राम जी, जरा आहिस्ता, ये अस्पताल है।
वो तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, वो इंजीनियर साहब आपसे मुझे एक जिंदा बात है मतलब काम है, आप फिर आइए मेरे साथ बाहर आइए। मगर बाकी सब ठीक है इंजीनियर साहब, आप जाकर राजा को बाहर भेज दीजिए। अच्छा राधा, तुम्हारे पिताजी तुमको बाहर बुला रहे हैं। दीदी तुम जाके ठेकेदार जी से कह दो कि उसका कोई कसूर नहीं, जाओ ना दीदी। माताजी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम लोग कल ही घर जा सकते हैं, गोपाल अब बिल्कुल अच्छा हो गया। आइए। यहाँ क्यों ले आए विनोद? डॉक्टर ने कहा है कि गोपाल को खुली हवा में रखो, इसलिए। मगर ये मकान तो अब हमारा नहीं है, यहाँ मेरे बेटे को आराम नहीं मिले। नहीं माँ जी, ये मकान तुम्हारा ही है, मेरा सब पैसा मिल गया है। किसने ये पैसा दिया? विनोद भाई तुमने? मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। किसी ने नहीं बल्कि जिसका पर्स था उसने अदा किया। माधो, गोपाल, माधो, गोपाल, 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 माँ, माँ तेरी आशीर्वाद से हम कामयाब हो गए हैं। माँ मैंने और गोपाल ने जो सपने देखे थे वो सब सच हो गए हैं। माँ सच मारे? हाँ गोपाल, हाँ हाँ बिल्कुल सच। आओ आओ बेटा अंदर। गोपाल एक मिनट। तुम लोगों ने तो गजब का नाटक रचा है। हालत तो विनोद पर है जिसे मैं बिल्कुल ही सीधा साधा समझती। सीधे साधे? बड़े छुपे रिश्ते में क्यों, और भी कुछ बाकी है क्या? माँ ये जेवर तूने अपनी बहू के लिए रखे थे ना, इन जेवरों के साथ तेरे लिए एक बहू भी लाया हूँ। बहू कौन है रे वो? वो मेरी बहन है। तेरी बहन? हाँ गोपाल, और मैंने उसे तेरे साथ शादी का वचन भी दिया है। गोपाल तुमने पहले मुझे वचन दिया है, अब फैसला कर लो दोस्त या बहन किसकी बात रखोगे? मेरी तो राय है दोनों की बात रखो। मामा मान लो, मामा मान लो। अरे ठहर ठहर बदमाश। मामा वही है, मामा वही है। क्या हुई है? हमारी राधा मामी। तुम बदमाश ने सारा रात जिंदाबाद कर दिया। गोपाल इन्होंने 50,000 रुपए लगाकर हमारा तजुर्बा कामयाब होने में मदद दी। उसको मत बताओ, वो तजुर्बा और कामयाबी दोनों वापस कर देगा। अरे जिंदाबाद। मैं आपकी गुस्ताखी माफ मांगता हूँ शेरा साहब। बेटे ये क्या कर रहे हो, हाथ जोड़ना तो मृत्यु वालों का काम होता है, बस तुम जिंदाबाद हो। है क्या करते हैं, कोई आ जाएगा? मामा तुम फूल लगा दो, डरो मत, डरो मत, कोई नहीं आता, हम यहाँ से देख रहे हैं, देख रहे हैं। देखा मामा के जन मामा कितना काम करते हैं। कितना काम?